पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज आखिरी दिन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बताया था बॉस। सिडनी के एडमिरल्टी हाउस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी। विपक्षी मीटिंग के बाद पीएम मोदी के सम्मान में डिनर पार्टी का आयोजन। डिनर के बाद भारत लौटेंगे पीएम मोदी। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। भारत को बताया दुनिया की सबसे बड़ी टैलेंट फैक्ट्री। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बोले पीएम मोदी। कहा भारत तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा बॉस है भारत के प्रधानमंत्री मोदी। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। ब्रिस्बेन में खुलेगा नया काउंसलेट। सिडनी में कलाकारों ने पेश किए कई भारतीय डांस फॉर्म। सिडनी पहुंचे कलाकारों ने लोक नृत्यों से बांधा समा। सिडनी में भी दिखा नाटू नाटू गाने का जादू। स्टेडियम में थिरकते दिखे लोग। नए संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट कर सकता है विपक्ष। तृणमूल कांग्रेस सीपीआई और आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल को लेकर बोले हरदीप पुरी। इंदिरा राजीव गांधी कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं कर सकते संसद भवन का उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी साथ रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में जुटे केजरीवाल। कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात। ममता बोली अध्यादेश का विरोध करेंगी। ममता बनर्जी से मिलने के बाद बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां के राज्यपाल कर रहे परेशान। आज शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे से मिलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मुंबई में उद्धव के घर पर होगी मुलाकात। नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर बिहार सरकार में मंत्री सर्वजीत कुमार का बयान। बोले ये विपक्षी एकता नहीं बल्कि देश की एकता। आने वाले चुनावों की तैयारी में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आज राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पिछले एक महीने से पहलवानों का प्रदर्शन जारी। खाप महापंचायत ने 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत की घोषणा की। अभी और उग्र हो सकता है पहलवानों का प्रदर्शन। बजरंग पुनिया बोले देश के अलग अलग जिलों में होगा आंदोलन। श्रीनगर में G20 बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की लगातार मीटिंग जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। देहरादून में G20 सम्मेलन के लिए आए मेहमानों का स्वागत। पारंपरिक डांस के साथ किया गया स्वागत। G20 समिट में बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हुआ सफाया। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। बोले धारा 370 हटने की बात अब बच्चे पत्थर नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। समीर वानखेड़े को सीबीआई ने भेजा समन। आज पेश होने को कहा। आर्यन खान मामले में होगी पूछताछ। आजम खान के लिए आज का दिन अहम। भड़काऊ भाषण केस में एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट सुनाएगी फैसला। आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रांची में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में लेंगी भाग। झारखंड उच्च न्यायालय के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। यूपीएससी सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट घोषित। इशिता किशोर ने किया टॉप। टॉप 4 में सभी लड़कियां। यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करने पर बोली इशिता किशोर। कहा देश के लिए कुछ करना चाहती हूं। धार की संस्कृति सोमानी ने हासिल की 49वीं रैंक। परिवार में खुशी की लहर। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। अब सभी 8 मामलों की एक साथ होगी सुनवाई। देहरादून में 25 मई से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मिर्जापुर में वन
लव जिहाद के तीन आरोपी गिरफ्तार, अभय से आरिफ बनकर रची थी साजिश, तीनों आरोपियों पर लगा गैंगस्टर। मध्य प्रदेश की धार में चलती बस में हुई कंडक्टर की मौत, हार्ट अटैक से हुई मौत, बस में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के हरदोई में 12 झोपड़ियों में लगी भीषण आग, जलकर राख हुई झोपड़ियां, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। आगरा में नाले की सफाई करते वक्त हादसा, ड्राइवर समेत नाले में गिरी जेसीबी, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला, गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर। अलीगढ़ में मामूली विवाद को लेकर लोगों ने की सोसाइटी सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई, गार्ड ने एसएसपी ऑफिस में दर्ज कराई शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में बैंक रिकवरी एजेंटों ने की दबंगई, बीच सड़क पर प्रेग्नेंट महिला से छीनी स्कूटी, विरोध जताने पर महिला के पति से की मारपीट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छात्रों के दो गुटों में मारपीट, कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। राजस्थान के कोटा में दो बदमाशों ने शादी में बंदूक लेकर किया डांस, हवा में की फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, दोनों ओर से जमकर हुआ पथराव, 6 से ज्यादा लोग हुए घायल, मामले की जांच जुटी पुलिस। अमेरिका में रह रहे एक भारतीय जोड़े ने की अनोखी शादी, पंडित जी ने भारत से पढ़े शादी के मंत्र, ऑनलाइन कराई शादी। राजस्थान के भरतपुर में पीने के पानी की किल्लत, पानी की कमी को लेकर लोगों ने जताया विरोध, टंकी पर चढ़कर अधिकारियों के खिलाफ लगाए नारे। अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत युवक ने अपने ही घर और दुकान में लगाई आग, जलकर राख हुआ लाखों का सामान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। यूपी के गाजीपुर में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, एसडीएम प्रतिभा मिश्रा ने दिए कार्रवाई के आदेश, अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। बिहार के खगड़िया में शादी में डांस कर रही महिला की अचानक हुई मौत, परिवार में मातम का माहौल, सामने आया वीडियो। अयोध्या में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में पिकअप गाड़ी में बैठे दो लोगों की मौत, 13 से ज्यादा लोग हुए घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। हरियाणा के हिसार में 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। यूपी के कानपुर देहात में किराना स्टोर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। कौशाम्बी में युवती से दुष्कर्म के 2 आरोपियों को 20 साल कारावास की सजा, दोनों आरोपियों पर लगाया गया 30,000 रुपए का जुर्माना। यूपी के झांसी में कोर्ट ले जाते वक्त हत्या के आरोपी ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी की मौत, एसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, 3 बदमाशों ने किया हमला, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के सीवान में तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचला, मौके पर ही हुई महिला की मौत, फरार हुआ कार चालक, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। बिहार के बांका में बदमाश ने प्रेमिका के पति पर की फायरिंग, बाल बाल बचा शख्स, स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़ा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जाफराबाद में गला रेतकर कैब चालक की हत्या, कार में मिला ड्राइवर का शव, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। छपरा में दबंगों ने युवक के घर में लगाई आग, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू किया, घर में रखा सामान जलकर हुआ राख, पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के रीवा में बदमाशों ने की पुलिस की पिटाई, अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस, 6 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 90 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद, ट्रक से की जा रही थी तस्करी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ट्रक को किया गया जब्त। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, 42 लाख रुपए की शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, एक ट्रक को किया गया जब्त। यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया, विदेश भेजने के नाम पर करता था लोगों से ठगी, अब तक 19 लोगों से कर चुका था ठगी।
लखनऊ में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, बुरी तरह घायल हुआ युवक, अस्पताल में जारी है इलाज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों से 10 लाख की ज्वेलरी समेत 3 पिस्टल बरामद, पुलिस ने जब्त की 2 कार। कन्नौज में बदमाशों ने युवक को बुरी तरह पीटा, युवक की हुई मौत, हैंडपंप पर नहाने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। लखनऊ में बिजली विभाग की टीम पर बदमाशों ने किया हमला, लाइनमैन को बुरी तरह पीटा, 26 लोगों पर की गई कार्रवाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में अवैध ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 81 लाख की अवैध ड्रग्स के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया, आरोपियों से जारी है पूछताछ। मथुरा में पुलिस और गैंगस्टर में मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ बदमाश, अवैध पिस्टल समेत 1 बाइक जब्त, अस्पताल में जारी है बदमाश का इलाज। कानपुर में बदमाश ने चोरी की बाइक, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के नेता ने मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती, आरोपी से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, बुरी तरह घायल हुआ युवक, अस्पताल में जारी है युवक का इलाज, मामले की जांच जारी। झारखंड के जामताड़ा में उत्पाद विभाग की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, अवैध शराब फैक्ट्री पर मारा छापा, 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। मध्य प्रदेश के दतिया में सराफा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, ज्वेलरी लूटकर फरार हुए बदमाश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में आसमान में दिखी तेज रोशनी, रोशनी के पीछे उल्कापिंड होने की आशंका। मैक्सिको में ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी, आसपास के इलाकों में दिखा धुएं का गुबार। कनाडा के अल्बर्टा में जंगल की आग से भारी तबाही, 3,000 के करीब फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। चिली में बदमाशों ने 2 घरों में लगाई आग, 5 आरोपियों पर दर्ज हुआ केस। अटलांटा में कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा, क्रेन का एक हिस्सा टूटकर गिरा। थाईलैंड में तूफान की वजह से स्कूल की छत टूटी, हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सऊदी के प्रिंस से अपील, यूक्रेन में शांति लाने के लिए मांग की मदद। डोनबास में मिलिट्री बेस पर पहुंचे जेलेंस्की, सैनिकों से की मुलाकात। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूसी सैनिकों को सम्मान, राष्ट्रपति पुतिन ने किया सम्मानित। अल्बानिया में नाटो देशों का युद्धाभ्यास, ड्रिल में नाटो के 29 सदस्य देश शामिल। अमेरिकी संसद के स्पीकर मैकार्थी ने जो बाइडेन से की मुलाकात, कर्ज संकट को लेकर हुई चर्चा। बेल्जियम में सोशल डंपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, मार्च में 18,000 से ज्यादा लोग रहे मौजूद। WHO के चीफ ने अभी से ही अगली महामारी की तैयारी पर दिया जोर, कहा अगली महामारी के लिए अभी से रही है तैयार। इक्वाडोर के सैंटा लेना में रेस्टोरेंट में गोलीबारी, हमले में 6 लोगों की मौत। मेटा पर यूरोप ने लगाया 1.2 बिलियन यूरो का जुर्माना, कंपनी पर यूजर्स का डेटा अमेरिका भेजने का आरोप। आईपीएल के पहले क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को हराया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई की टीम ने बनाए थे 172 रन, वहीं गुजरात की टीम 157 रनों पर हुई ढेर। चेन्नई के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बने जीत के हीरो, 44 गेंदों में बनाए 60 रन। सीएसके के लिए डेवन कॉनवे ने बनाए 40 रन, 34 गेंदों का किया सामना। अजिंक्य रहाणे ने बनाए अहम 17 रन, 170 का रहा स्ट्राइक रेट। रविंद्र जडेजा ने 16 गेंदों में खेली 22 रनों की पारी, लगाए 2 चौके। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी ने की शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 28 रन देकर लिए 2 विकेट। चेन्नई के खिलाफ महंगे साबित हुए राशिद खान ने 4 ओवर में दिए 37 रन। गुजरात के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने की शानदार गेंदबाजी, मोहित शर्मा ने लिए 2 विकेट। गुजरात के सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहब 12 रन पर हुए आउट, 11 गेंदों का किया सामना। आईपीएल के पहले क्वालिफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात को हराया। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई की टीम ने बनाए थे 172 रन, वहीं गुजरात की टीम 157 रनों पर हुई ढेर। चेन्नई के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बने जीत के हीरो, 44 गेंदों में बनाए 60 रन। सीएसके के लिए डेवन कॉनवे ने बनाए 40 रन, 34 गेंदों का किया सामना। अजिंक्य रहाणे ने बनाए अहम 17 रन, 170 का रहा स्ट्राइक रेट। Z News.